तो गाइस गाड़ी वाले ने क्या टर्न मारा साइड में, देखो अपने भाई एकदम से मुड़ गया था वो। ये चलाने वाला है ड्यूक 390, फर्स्ट टाइम चला रहा है, और भाई थोड़ा ध्यान से ठीक है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया है ना? तो गाइस आ चुके हैं एक बार फिर से न्यू वीडियो के साथ। और गाइस अभी तो मैं घर पे हूँ, ठीक है। तो आज जा रहा हूँ मैं बाइक की सर्विस कराने। तो आज दो बाइकों की सर्विस एक साथ होने वाली है, पहली अपनी ग्रूट और सेकंड अपनी स्पाइडर जो हमने नई नई RS 200 ली है। तो गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बाइक की मेंटेनेंस के लिए पैसे कहाँ से लाता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐप के बारे में जिसका नाम है विंजो ऐप। तो इसमें आप गेम खेलकर ही पैसा कमा सकते हो। इसमें आप नाइफ ऑफ सी, बैटल क्रिकेट जैसी 100 से भी ज्यादा गेम खेल सकते हो। विंजो ऐप पर आप बहुत सारे कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो, जिसे आप डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम, UPI या बैंक अकाउंट में। विंजो स्टोर पर मिलती है आपको माइनक्राफ्ट की करेंसी, वो भी सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, मिंत्रा, हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट को। कोई सोचना बिल्कुल नहीं है, जल्दी से करो विंजो ऐप डाउनलोड, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिलेगा ₹50 का बोनस कैश, वो भी बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जाके डाउनलोड करो और देखते हैं कि आगे हम क्या करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो, निकलते हैं जल्दी से घर से, चलो। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं घर से काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। आज जा रहे हैं गाइस सर्विस कराने, आज दोनों की सर्विस होने वाली है, अपने ग्रूट की भी और स्पाइडर की सर्विस होने वाली है। इसकी फर्स्ट सर्विस है और मेरी तो पता नहीं कितनी है, पांचवी या छठी होगी मुझे लग रहा है। तो आज इसकी करवाएंगे सर्विस, देखते हैं कैसी सर्विस रहती है इसकी। आपको अंदर से तो मैं आई थिंक नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज सूट नहीं करने देते अंदर से। जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरा मैं ऑन ही रखूंगा वैसे तो। तो एक बार गाइस कमेंट रीड कर लेते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उससे सबसे पहले 3 कमेंट किसकी आए थे। गाइस रास्ते के बीच में खड़ा होना पड़ रहा है, ठीक है। गाइस फर्स्ट नंबर जिस बाइक का कमेंट आया वो है विवेक गुलेरिया, और सेकंड नंबर पे जिसका कमेंट आया वो है प्रोमिला शर्मा, और थर्ड नंबर पे जिसका कमेंट आया वो है आयुष। ये थे वो तीन लोग जिन्होंने सबसे पहले वीडियो पे कमेंट किया है। बस अब ऐसे कमेंट करते रहो, और इस वीडियो पे भी वैसे कमेंट करना। अभी देख ना तो देखते देखते जाके नीचे कमेंट कर दो। सो लेट्स गो गाइस, निकल रहे हैं हम यहाँ से। ओके, दोनों की सर्विसें करवानी पड़ेंगी भाई, हालत खराब है ना बाइक की भी, चेन भी बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है, और सर्विस करवाए हुए 2 महीने हो चुके हैं, तो आज तो सर्विस बनती है। मैं आपको दोनों का बिल भी दिखाऊंगा कि दोनों का बिल कितना आया है सर्विस का। आहा आहा आहा, क्या हो रहा है क्या हो रहा है? फाइनली सर्विस सेंटर के पास पहुंच चुके हैं, ले जाएगा अंदर आराम आराम से। चलो 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 नीचे चलो, लगा दे इधर मैम सर्विस। इसकी फर्स्ट सर्विस है होगी, ये देखो यहाँ पे लग रही है, सर्विस भी हो चुकी है ना अपनी बाइक की। तो बाहर निकालते हैं इसको, ये इधर चलते हैं सबसे पहले। तो हो गया भाई, तो दोनों की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। इसकी फर्स्ट सर्विस होगी और मेरी तो भाई पता नहीं कितनी थी, सर्विस तो दोनों की कंप्लीट कर दी। आपको मैं पैसे भी बताऊंगा कि गाइस पैसे कितने लगे हैं, कहीं पे एक जगह पे रुकते हैं ना, वहाँ पे रुक के मैं आपको दोनों के बता देता हूँ सर्विस के कितने पैसे लगे हैं। इस तरफ, इस रोड पे आ चुके हैं, थोड़ा सा आगे सीधा रोड है। गाड़ी वाले ने क्या टर्न मारा साइड में, देखो अपने भाई एकदम से मुड़ गया था वो। सीन कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पे आ गए हैं, हमने सोचा कि थोड़ा सा सर्विस हुई है तो थोड़ा सा भगा भी लिया जाए इसको। एक काम करते हैं, अब इसको चलाता हूँ ना, तो इसको चला ये ले आराम से भर ना, क्योंकि ये पिकअप बड़ा ज़्यादा दे देती है। अभी आपको बता देता हूँ मैं कि दोनों के पैसे कितने लगे हैं। तो मेरे लगे हैं 2880 रुपये, 730 रुपये इसके सर्विस के लगे थे। तो गाइस फर्स्ट सर्विस है तो थोड़ा फ्री होता, पता फ्री भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको वे सब कुछ पूरा फ्री में मिल जाएगा, थोड़े से इंजन ऑयल के पैसे तो लगते ही हैं, तो उसी के पैसे लगे हैं। और मेरे में एयर फिल्टर डला हुआ है, इंजन ऑयल डला हुआ है, कूलेंट डला हुआ है, और ब्रेक पैड डले हैं इसके नए, बिकॉज पीछे के ब्रेक पैड घिस चुके थे। चलो भाई चलते हैं, और अब ये चलाने वाला है ड्यूक 390, फर्स्ट टाइम चला रहा है, और भाई थोड़ा ध्यान से ठीक है, थोड़ा ध्यान से आराम से। रेस कब देनी? रेस वैसे क्लच छोड़ेगा फिर साथ साथ में, रेस जैसे क्लच छोड़ेगा एकदम से तो देना ही मत, बस आराम से चलता रह। गाइस इसको मैंने बताया, इसको आती नहीं है ना इतनी अच्छी से चलानी, फर्स्ट टाइम चला रहा भाई ये ड्यूक 390। भाई अपनी बाइक देखने में भाई कितनी ज्यादा सेक्सी लगती है, भाई साहब सेक्सी है बाइक।
जितनी अच्छी तरह से सर्विस हो सकती थी मैंने करवा ली है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है अब तो। और ये भी स्मूथ लग रही है, अब ये भी भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है, अब ये भी मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा एक्सीलेटर देख ले, इसको बोला कि थोड़ा एक्सीलेटर देख ले कैसा है। ये निकल जाती है, आगे खड़े होते हैं आगे। ये जो बाइक चला रहा है ना, मेरी फर्स्ट टाइम ये मेरी बाइक चला रहा है, इससे पहले इसने बाइक मेरी नहीं चलाई है, इसलिए अब ये भी पता लग रहा होगा इसको भी भाई पावर कितनी है इसमें। तो आज कितने टाइम बाद ये चला रहा हूँ भाई, बंद कर दे क्लच में छोड़ना, बस बंद कर दे, बस छोड़ दे। ये कैसा रहा भाई, पहले इससे पूछते हैं ड्यूक 390 का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ ये थोड़ा से पीछे हो जाते हैं ना। हाँ ये खतरनाक चीज होती है भाई, उसकी हैंडलिंग थोड़ी आगे इसकी हाइट पे है जरा। हाँ हाँ तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, आए हैं इस रोड पे तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखो सांप बना दी सांप भाई। हम तो न्यूट्रल पे हो गए हैं, क्या हो रहा है। देखो भाई रेस लगी हुई है, ये कैसे हो सकता है भाई। हम भी थोड़ा विंड ब्लास्ट को कट ऑफ करेंगे, हम भी आगे निकलेंगे। चल गुरुड़ चल, देखो लेट रहे हैं। पस 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 गाइस पहुंचने वाले। क्या हुआ। तो गाइस यहाँ पे न्यूट्रल रेस हो रही है, न्यूट्रल रेस ठीक है, आज तक कहीं नहीं देखी होगी आपने। कैसे आ रहा है ये, स्टार्ट की है। हम भी निकलेंगे शक्तिमान की तरह। काम भी सारा हो चुका है हमारा, बाइक की सर्विस करानी थी, सर्विस भी कंप्लीट हो गई हमारी, और अभी वापस जा रहे हैं कुछ सीन लेनी है और उसके बाद मैं सीधा घर निकल जाऊंगा। और अंडा साइड जा रहे हैं हम, ऐसे ही क्या करेंगे बोर हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि भाई चलते हैं उस तरफ चलते हैं। चलते हैं खाते हैं कुछ, देखते हैं पहले लेना क्या है। थोड़ा सा खाने के लिए कुछ ले लिया। ओ भाई आग लग चुकी है सीट पे। चलो गाइस चलते हैं एक नई जगह पे, इधर ही खड़ी कर देते। दोनों बाइक लगा दी है और अभी जा रहे हैं थोड़ा सा इस साइड। यार गंदा होगा पानी ये रास्ता मुझे लग रहा है, यहीं से जाएंगे। आ चुके हैं भाई बहुत ज़्यादा सही जगह पे, नहाने का भी दिल कर रहा है। तो यार गाइस अभी यहाँ से वापस जाने वाले हैं। ये स्प्लेंडर होती ना तो उधर ही घूम जानी थी। रुक जा मैं उसको ऊपर लगा देता हूँ ना, ऐसे मत घुमा अकेला। सो लेट्स गो गाइस चलते हैं। ये बॉयज
चले जाना तूने इधर से। मैं भी वैसे चला जाऊंगा, निकल जा, रुक जा रुक जा रुक जा। लेट्स गो गाइस, अभी निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। चलें, चलो फिर मिलते हैं अगली बार। ओके, आज तो बहुत मजे किए हैं, बहुत ही ज़्यादा मजे किए हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी मैं घर से थोड़ा ही दूर हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई वीडियो एंड कर देते हैं, घर में जाके क्यों एंड करनी, यहीं पे एंड कर देते हैं। तो गाइस अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और आपको आज मैंने वीडियो में बताया दोनों की सर्विस हो चुकी है, मैंने अपनी भी करवा ली, बिकॉज आपको पता ही है ना कि प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा जल्दी हीट भी हो रही थी। ये भाई कूलेंट भी नया डाला है इसमें, तो एयर फिल्टर भी डाला है, ऑयल फिल्टर भी डाला है, और चेन ल्यूब भी हुई है, चेन टाइट भी हुई है, और जो RS 200 है उसकी भी फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो गई है, और मैंने आपको रुपये बता दिए। तो गाइस अच्छी लगी ना तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। इट्स हार्ड वर्क बॉयज, जय हिंद गाइस।